नमस्ते ब्रजेशारी वीडियो आपका स्वागत है। आज भाई मैं जा रहा हूँ दोबारा से ग्वालियर। क्यों जा रहा हूँ और किस चीज के लिए जा रहा हूँ भाई, मैं हो गया भाई इसके साउंड सिस्टम से बहुत ज्यादा परेशान, क्योंकि इसका जो साउंड सिस्टम है ना इतना गंदा हो गया ताकि हद नहीं है। अब आप कहोगे भाई बढ़िया साउंड सिस्टम है, क्या भरा है सिस्टम के अंदर, तो वो भी आप समझ सकते हो। यार मैंने जब से इसको लिए, मेरे पास मैंने सितंबर में मैंने इसको लिए और 13 तारीख को मेरे पास 3 महीने इसके पास हो जाएंगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, जो 4 महीने मेरे पास हो जाएंगे इसको। तो भाई जैसा कि मैं आपको बताऊं, 4 महीने मेरे पास हो जाएंगे, 4 महीने के बाद मैं ना ये गाड़ी म्यूजिक सिस्टम से इतना दुखी हो गया इसके लिए, इस म्यूजिक सिस्टम के लिए। तो मैं आपको एक बार सुनाना चाहता हूँ और सुनाने के बाद फिर बताता हूँ। देखो एनसीएस का सॉन्ग चलाऊंगा, उसमें ही समझ लेना भाई उसमें कितनी धमक छनक होती है, वो भी आप समझते हो, क्योंकि वो डबलिंग वाले सॉन्ग होते हैं, आप भी जानते हो एनसीएस के कॉपीराइट वाले, तो उनको बजाता हूँ मैं एक बार और फिर सुनाता हूँ। देखो सुनना एक बार, देखो आप सुनना, प्रिक प्रिक की आवाज आएगी। देखो आवाज आपने सुन ली है, आवाज सुनने के बाद भाई मैं जा रहा हूँ मारुति, क्योंकि देखो भाई तब तक गाड़ी के अंदर साउंड क्वालिटी सही ना हो ना मैं तो खुश ही ना हूँ। देखो मुझे भाई, मैं हूँ लाउड स्पीकर सुनने वाला, और जब गाने फुल स्पीकर में फुल आवाज में ना बोले 40-35-40-35-40 में ना बजे तो मुझे मजा नहीं आता। तो भाई चलते हैं ग्वालियर और फिर मिलते हैं, फिर आपके पास वर्कशॉप वगैरह पहुंच के ग्वालियर प्रेम मोटर जाऊंगा मैं एजी ऑफिस। तो डबरा मैंने अपने डबरा में दिखाया, डबरा वाले बोलते भाई हमारे यहाँ तो वारंटी क्लेम नहीं होती है, आप तो ग्वालियर जाए अपनी गाड़ी ग्वालियर जाके दिखाएं। तो भाई मिलते हैं भाई ग्वालियर पहुंच के आपको, ग्वालियर पहुंचने के बाद में फिर मिलता हूं आपको, क्या कंडीशन है क्या कंडीशन नहीं है इन स्पीकरों के अंदर, भाई प्रिपेयर आ रहे हैं क्यों प्रिपेयर आ रहे हैं, क्या नहीं हो रहा वो भी आपको सारी चीजें मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो बने रहे वीडियो के अंदर और पसंद आए ना सब्सक्राइब करके जरूर जाना भाई, और नई आई हो भाई बताना क्यों नहीं आई हो, और सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो प्लीज भाई प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कर दो यार, और जो सब्सक्राइब करता है ना भाई मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ उन लोगों के लिए, ठीक है सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलते हैं भाई, मिलते हैं फिर ग्वालियर पहुंच के, मिलते हैं आपसे। तो भाई हम लोग मारुति वर्कशॉप पर पहुंच चुके हैं, देखो बनेक्सा का शोरूम ये है, बगल में ही वर्कशॉप है, तो दिखाते हैं यार जो भी है अपना कैसा क्या है कैसा नहीं, एक्सपीरियंस कैसा क्या रहेगा, और है ना देखते हैं भाई स्पीकर वगैरह पर अपनी सारी चीज देखेंगे और हिसाब से आपको बताता रहता हूँ जो भी रहेगा अपना, ठीक है। वर्कशॉप पे पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो भैया गार्ड वाला भैया आ गया खोलने, सर्विस कराने नहीं तो? वारंटी है, वारंटी मतलब क्या दिखानी है गाड़ी, वारंटी में स्पीकर खराब हो गए इसके, ठीक है चलते हैं भाई और मिलता हूँ कपिल शर्मा से। चलते हैं भाई अपनी गाड़ी लगवाते हैं पहले, और लगवाने के बाद में फिर बात करते हैं इन लोगों से क्या है क्या नहीं है, और ठीक है मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर। सारी चीज़ें मेरी गाड़ी की हो चुकी हैं और ये लोग अंदर ले जा रहे हैं भाई, अंदर क्या दिखाते हैं क्या, जो थोड़ा बहुत अपडेट रहेगा वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि 3 महीने के अंदर स्पीकर में प्रॉब्लम क्यों आ गई पता नहीं, मुझे खुद पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। देखो एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जब गाड़ी लेते हैं ना ये चीज़ में आप भाई एक सीख सी मिल गई गाड़ी लेते समय ना, हाई आवाज़ में सब चीज़ में आपको पेन ड्राइव वगैरह कैसे करें ना, स्पीकर ब्रिज चेक किया करो, म्यूजिक सिस्टम वगैरह, ये चीज़ें भाई आज सीख मिल गई। तीसरी गाड़ी हमारे पास, तीसरी गाड़ी में भी हम लोगों ने ये गलती हो चुकी है, तो ये चीज़ है बताता हूँ फिर आपको, स्पीकर वगैरह सारी चीज़ें क्या चेंज हो रहा है क्या चेंज नहीं होता है इसके अंदर, चेंज होता है भी कि नहीं होते हैं लोग क्या करते हैं क्या नहीं, 6 स्पीकर आते हैं इसके अंदर भाई, 2-4 स्पीकर इसके अंदर आते हैं और 2 ट्यूटर इसके अंदर आते हैं। तो भाई मैं ही पहुंच चुका हूँ घर पे, भाई मारुति वाला स्पष्ट बोल दिया है कि ना हमारे इसमें म्यूजिक सिस्टम में कोई कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 3 मोबाइल चेक किए भाई, एक में नहीं आ रहा, तीसरे में आ रहा था, मेरे में भी आ रहा, 2 एंड्रॉइड चेक किए उनमें तो आ रहा था, पेन ड्राइव में चेक किए सब में आ रहा था, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि भाई हम इसका म्यूजिक सिस्टम चेक करेंगे, म्यूजिक सिस्टम चेक करने फिर पहले बोला उन्होंने, पहले इसको खोल के चेक कर लिया उन्होंने भाई, म्यूजिक सिस्टम को स्पीकर को चेक किया उन्होंने खोल के,
इनको इनको खोल कर चेक किए, फिर बोलते हैं भाई इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने फिर क्या बोला धीरे से, भाई इसकी पूरी वायरिंग चेक करनी पड़ेगी, म्यूजिक सिस्टम की और इसकी स्पीकर वगैरह सारी चीज़ें। तो क्या करेंगे वो लोग, बोले पूरी गाड़ी खोलनी पड़ेगी, ये यहाँ से पूरी सामान इसको निकालना पड़ेगा। तो भाई ये चीज़ मैंने मना कर दिया, मैंने बोला भाई पहले म्यूजिक सिस्टम चेक करो उसके बाद कुछ होता है। तो नहीं बोले बंदे, नहीं नहीं। तो फिर मैंने जीएम वगैरह से बात की, जीएम भी भाई वहाँ के बहुत अच्छे थे। मैं सीनियर स्टाफ की बात करूँ ना, सीनियर स्टाफ वहाँ का बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा स्टाफ बेकार है, स्टाफ बहुत अच्छा है सीनियर स्टाफ। तो जीएम ने से मेरी बात हुई, तो जीएम ने बोला कि सर आपकी गाड़ी चलो ठीक है कोई दे, उन्होंने ये तक बोल दिया था भाई, क्यों झूठ बोलूँ, उन्होंने ये तक बोला जो प्रॉब्लम है इसको रिप्लेसमेंट कर दो, हाल के साल चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला पर लेकिन वहाँ के बंदे बोले चल ठीक है हम करवा देते हैं। फिर उन्होंने चेक करा, फिर म्यूजिक सिस्टम वाले को जो इसमें हरमन कंपनी का था, हरमन कंपनी वाले को मेल डाल दिया है, मुझे 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन के समय के बाद भाई मेरी प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं होती, फिर देखता हूँ मैं क्या होना है क्या नहीं होता, फिर आपको बताऊंगा। 3 दिन के बाद आपको दूसरी वीडियो आएगी ना, उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आप सुनाता हूँ भाई इसके अंदर प्रॉब्लम रिजोल्व हुई कि नहीं हुई। अब आप कहोगे ये की एनसीएस का भाई 3-4 गाने बजा के दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है 3-4 गाने बजा के दिखाऊंगा। देखो म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, इसमें आ रही है दूसरे वाले बजाता हूँ, ठीक है आवाज कर सकता हूँ, देखो आवाज फुल है, इसमें सुनना थोड़ा सा आगे निकाल दो। एक गाने प्रॉब्लम नहीं है, 4-5 गाने सुन चुका हूँ भाई मैं, दूसरे में सुनाता हूँ। प्रॉब्लम है इसके अंदर, तो इससे अच्छा भाई उन्होंने 3 दिन का मुझे टाइम दिया है, 3 दिन के बाद देखते हैं 3 दिन बाद क्या होता है क्या नहीं होता है इस म्यूजिक सिस्टम के बारे में। देख बताता हूँ आपको, जो भी अपडेट रहेगी आपको बताऊंगा जरूर, दिखाऊंगा जरूर। और भाई मारुति ने स्पष्ट बोल दिया भाई इसको चेंज कर दो, इसमें कोई खराबी इसको चेंज करो, इसमें कोई खराबी इसको चेंज करो, इसमें कोई खराबी इसको चेंज करो। तो भाई उनको तो कुछ लगा नहीं, टेक्नीशियन टीम को तो कुछ लगा नहीं भाई खराब है इसको, उनको भी कुछ नहीं कहा खराब है भाई, उनको तो ऐसी आवाज भी अच्छी लगती। मैं तो ये कहता हूँ उन्होंने फिर साउंड सुनाई नहीं है किसी भी चीज का, ठीक है। तो ये ज्यादा लंबी वीडियो होने से क्या फायदा, तो आपको छोटी जानकारी मैंने आपको दे दी। अपने मिस्टर को भाई चेक करना चाहिए, सब चीज चेक करें भाई, शोरूम वालों ने मुझे कुछ समझ में नहीं आया, वर्कशॉप वालों ने बोल दिया सही है, तो लेकिन आपको अपने सामने दिख गया होगा, आपके सामने देख लिया होगा। तो यही छोटी जानकारी आपके लिए थी भाई, कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, पसंद आई सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। और भाई इस चीज के लिए ना भाई कभी भी भाई कब सबको ही अपनी वो करो क्या बोलते हैं फॉरवर्ड मारो इस वाली वीडियो को, सबको फॉरवर्ड करो भाई अपनी गाड़ी देते ना, पेन ड्राइव वगैरह देखो, पेन ड्राइव बोलते भाई पेन ड्राइव लोकल है, पेन ड्राइव की बात की तो पेन ड्राइव लोकल बोला भाई, पेन ड्राइव देख सकते हो आप लोग एक बार, सैंडिस्क कंपनी के पेन ड्राइव है भाई, ओरिजिनल पेन ड्राइव है ये, आप इससे ज्यादा ओरिजिनल क्या आता है ये भी आप देख सकते हो। तो आप एक बार दिखा दूंगा आपको मैं दोबारा से, फोकस कर ले ये देखो। तो यही चीज थी भाई, मुझे तो भाई पसंद नहीं आया म्यूजिक सिस्टम इसका, भाई कहते हैं ना बड़ी हाई पैस की स्मार्ट प्ले म्यूजिक सिस्टम, इस पर प्ले सब में गाड़ियों में यही आ रहा है, तो भाई मुझे पसंद नहीं आया। हरबन का है ये, हरबन वाले प्लीज अगर आप वीडियो देख रहे हो भाई इसको चेंज कर जाना, निवेदन है आप लोगों से, वरना आप भी जानते हो मैं तो फोड़ के फेंक दूंगा इसको, मुझे मतलब नहीं भाई चाइनीज वाला लगा लो, उसको बढ़िया है 10,000 रुपये के अंदर 50,000 रुपये का आपका म्यूजिक सिस्टम है, 50,000 में तो 5 आ जाएंगे, हर साल एक चेंज कराऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो कैसे ली कमेंट जरूर बताना, नए हो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक करके जरूर आना भाई पसंद आई तो, ठीक है नई आई डिसलाइक करके जरूर जाओगे हेटर्स। तो वीडियो लाइव धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लीज सेफ ड्राइव, हैव अ नाइस डे, लेकिन कार साइड हीटर जरूर पहने, टूर चले हेलमेट पहन के जरूर चले, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक सी यू सून। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा भाई 3 दिन बाद, वो भी आप आराम से देख लेना।